वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स. मैम एक मिनट, मैम एक मिनट, मैम आप स्टार्ट हो गए हो? नहीं सर. मैम एक मिनट, हो गया क्योंकि मेरे को यहाँ पे ब्लैंक स्क्रीन दिखाई पड़ रही है. देखो आप हो गए. एक सेकंड चेक करते हैं. हाँ जी चेक. वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू द बिगेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अन अकेडमी. गाइज गुड इवनिंग. माई नेम इज अपर्णा अग्रवाल. आई एम एजुकेटर ऑफ इंग्लिश. सो प्लीज कम लाइव एंड शेयर द सेशन एज सून एज पॉसिबल. माई डियर स्टूडेंट जल्दी से लाइव आ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए. आपका इस अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है. लेट्स क्रैक डिफेंस चैनल पर आपका बहुत बहुत ज्यादा स्वागत है. गाइज जल्दी से लाइव आ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए बिकॉज आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस. गुड इवनिंग गौतम. गौतम जल्दी से शेयर कर दीजिए सेशन को सो दैट कि और भी स्टूडेंट्स लाइव आकर अवेल कर लिए अपॉर्चुनिटी को. गाइज अन अकेडमी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है. लेट्स क्रैक डिफेंस अकेडमी एंड डिफेंस एग्जाम. माय नेम इज अपर्णा अग्रवाल. आई एम एजुकेटर ऑफ इंग्लिश. आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर द 9 years एंड आई एम हियर टू टीच यू इंग्लिश फॉर द सीरियस एग्जाम. द बेस्ट इंग्लिश फॉर द सीरियस एग्जाम. ये अन अकेडमी की लर्निंग ऐप है. अगर अभी तक आपने कोई अन अकेडमी की लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं की है तो स्टूडेंट्स जल्दी से फटाफट से इंस्टॉल कर लीजिएगा ऐप को. अपने गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा, अन अकेडमी टाइप कीजिएगा और जल्दी से ऐप इंस्टॉल हो जाएगी. और आप जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है, जितनी भी फैकल्टीज के कोर्सेज हैं वो सब अवेल कर सकते हो. फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं और वो पेड बैचेस भी हैं. एंड ये अन अकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, दैट इज HTTPT अन अकेडमी डिफेंस. आप इस पे जाइएगा, क्लिक कीजिएगा और आपको क्विज भी अवेलेबल हो जाएगी और फैकल्टी की असिस्टेंस भी अवेलेबल हो जाएगी. गाइस जल्दी से लाइव आ जाइए, क्विकली सेशन को शेयर कर दीजिए. और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है कि 1 month का कोर्स अगर आप CDS का परचेस करना चाहते हैं, अन अकेडमी से बेस्ट फैकल्टी से पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल परचेस कर सकते हैं. इसका जस्ट अमाउंट कितना है 1440 एंड इफ यू अप्लाई द कोड APARNA यू विल गेट फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑन ईच एंड एवरी. ओके, अगर आपने कोड अप्लाई किया दैट इज APARNA तो आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. सो अगर आप कोई भी अन अकेडमी से कोर्स परचेज करना चाहते हैं, चाहे वो UPSC से रिलेटेड परचेज हो कोर्स, चाहे वो SSC से रिलेटेड हो, चाहे वो बैंक एग्जाम से रिलेटेड हो, तो आप बिल्कुल कोर्स परचेज कर सकते हैं. और आप मेरा कोड अप्लाई कीजिएगा APARNA और आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा. ठीक है गाइज, चलिए दिस इज माई इंट्रोडक्शन. माई नेम इज अपर्णा अग्रवाल. माई एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन आर BTech, PGDM, MBA, MA and Bachelor of Education. I've been teaching English for the 9 years and I am UPPCS interviewer and CDS 5th day interviewer. You are preparing for the CDS exam, you are preparing for the defense exam और जैसे कि मैंने आपको, मेरे दो सेक्शन रनिंग में हैं, जैसे कि मैंने आपको सेक्शन बताया है कि 4 बजे वाला सेशन मैंने वोकैबलरी का सेशन था हमारा. वोकैबलरी में हमने बहुत कुछ सीखा था. ठीक है, फिर कल हमारा 6 PM का सेशन था जिसमें मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंसेस की इन्फॉर्मेशन दी थी. ठीक है, आज भी हम कंडीशनल सेंटेंसेस करने जा रहे हैं. गाइज जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए और जो जो ऑनलाइन है, जो जो लाइव चैट में है, तो प्लीज जल्दी से हे मैम बोल दीजिए, क्विक क्लिक जल्दी से कीजिए. गाइज जो जो लाइव सेशन देख रहा है वो हेलो मैम बोल दे और जो जो स्टूडेंट्स आना चाहते हैं जल्दी से लाइव आ जाइए.
चलिए स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस। जैसे कि मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में बता चुकी हूँ कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, और मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको टीच किया है। तो जो भी स्टूडेंट्स बिगनर थे और जो भी कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ना चाहते हैं, तो मेरी प्रीवियस वीडियोज जरूर वॉच कीजिएगा, और इन वीडियोज में आपको कंडीशनल सेंटेंसेस पता चल जाएंगे। हे सचिन, हे गौतम, उसमें आपको कंडीशनल सेंटेंसेस पता चल जाएंगे कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं और वो कितने टाइप के होते हैं, उनके रूल्स क्या हैं, वो सब आपको पता चल जाएंगे। वैसे मैं आपको कंडीशनल सेंटेंसेस बता चुकी हूँ कि देर आर फोर टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, जीरो, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। जीरो की टेबल भी मैं आपको लिखवा चुकी हूँ, सेकेंड की टेबल भी मैं आपको लिखवा चुकी हूँ, थर्ड एंड फोर्थ की टेबल भी मैं आपको लिखवा चुकी हूँ। आज हम बात करेंगे थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का। जैसे कि मैंने आपको कल सेकंड कंडीशनल सेंटेंस बताया था, सेकंड कंडीशनल का रूल मैंने आपको बताया था कि सबॉर्डिनेट क्लॉज किस में होता है, बच्चा पास इंडेफिनिट में होता है, और प्रिंसिपल क्लॉज किस में होता है, प्रिंसिपल क्लॉज होता है आपका वुड, कुड, शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। वुड, कुड, शुड, माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये था हमारा सेकंड कंडीशनल का रूल। मैंने आपको बताया था कि सबॉर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है। अगर कि हमारे पास दो सेंटेंसेस गिवन हैं, अगर उसमें जो काम पहले हो रहा है वो सबॉर्डिनेट क्लॉज होगा, और जो काम बाद में हो रहा है वो प्रिंसिपल क्लॉज होगा। इतनी बात सबको क्लियर हो गई। चलिए अब हम बात करते हैं आज थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस की, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसकी एरर एग्जाम में 100% आती ही आती है। देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो एक बात बता देती हूं कि थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं वो सेंटेंसेस होते हैं इमेजिनरी वाले। इमेजिनरी कैसे, मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि अगर कल आपने मुझे कॉल किया होता तो मैं आपको अपने रिजल्ट की, अपने पास होने की इन्फॉर्मेशन दे देता, लेकिन कल बीत चुका, आपने मुझे कॉल नहीं किया, वो बस इमेजिनेशन अब हम कर सकते हैं, इसीलिए मैं आपको अपने रिजल्ट के बारे में कुछ भी नहीं बता पाया। इसका मतलब हो गया कि कल अगर आप मेरे से बात कर लेते, कल आप मुझे कॉल कर लेते, तो शायद मैं आपको अपने एग्जाम के बारे में, अपने रिजल्ट के बारे में बता देता, लेकिन क्योंकि आपने मुझे कॉल नहीं किया तो मैं आपको अपने रिजल्ट के बारे में, आपको अपने एग्जाम के बारे में कुछ भी नहीं बता पाया। इतनी बात सबको क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं इसका रूल क्या है। अब हम चेक करते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस के रूल क्या है। देखिए, एक सेकेंड। हाँ जी, नंबर वन, हाँ जी, देखिए, सबॉर्डिनेट क्लॉज बनेगा दो केसेस में। पहला केस पास्ट परफेक्ट में, और दूसरा केस वर्ब में। सबॉर्डिनेट क्लॉज बनेगा दो केसेस में। पहला केस, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम थर्ड कंडीशनल की बात कर रहे हैं। थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम इमेजिनेशन करते हैं। इमेजिनेशन कैसे करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोल दिया कि अगर मैं आपको कल कॉल कर लेता तो मैं आपको अपने रिजल्ट के बारे में बता देता, लेकिन मैं आपसे कल बात कर ही नहीं पाया, इसीलिए मैं आपके रिजल्ट के बारे में कुछ भी नहीं बता पाया। तो सबॉर्डिनेट क्लॉज या तो बनता है पास्ट परफेक्ट में और वर्ब में, और प्रिंसिपल क्लॉज, और इसमें मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी जो शायद ही आपको किसी बुक में मिलेगी, प्रिंसिपल क्लॉज बनता है वुड, कुड, शुड, मे, माइट, मे तो नहीं, खैर, वुड, कुड, शुड, माइट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म हुई है वो यूज हुई हैव की वजह से, और हैव किसकी वजह से यूज हुआ है, वुड, कुड, शुड की वजह से यूज हुआ है। तो याद रखेगा, जब भी हम कोई सिचुएशन, इमेजिनरी सिचुएशन कंसिडर करते हैं तो हम सेंटेंस को किस में बनाते हैं, थर्ड कंडीशनल में बनाते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल है, इफ आई हैड कॉल्ड यू, इफ आई हैड कॉल्ड यू, I would have told you my results.
इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने आपको कल कॉल की होती तो मैं आपको अपने रिजल्ट के बारे में बता देता, गुड इवनिंग रविदत्त, लेकिन मैंने आपको कल कॉल की ही नहीं क्योंकि कल बीत चुका, इसीलिए मैं आपको अपने रिजल्ट के बारे में नहीं बता पाया। तो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस हमेशा नेगेटिव आस्पेक्ट देता है। कौन सा आस्पेक्ट देता है? नेगेटिव आस्पेक्ट देता है। कौन सा कंडीशनल? थर्ड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस ऑलवेज गिव्स अस नेगेटिव एस्पेक्ट। जैसे कि अगर मैंने कल आपको कॉल की होती तो आप मेरे बारे में, रिजल्ट के बारे में पूछ लेते, लेकिन मैं आपको कल कॉल ही नहीं कर पाया तो आप रिजल्ट के बारे में मेरे नहीं पूछ पाए। इसका मतलब सबॉर्डिनेट क्लॉज किस में बन जाएगा भाई? पास्ट परफेक्ट में बन जाएगा। और प्रिंसिपल क्लॉज किस में बन जाएगा बच्चा? वुड, कुड, शुड और माइट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बन जाएगा। इतनी बात सबको क्लियर हो गई? वुड, कुड, शुड में इसलिए गया क्योंकि पास्ट में बात हो चुकी, अब तो चला गया ना कल, अब तो नहीं आएगा, अब तो इमेजिन ही करते रहते हैं। कहते ना, तुमने अगर ऐसा काम किया होता ना तो शायद मैं ऐसा कर देता, तो वो इमेजिनेशन हो गया ना, अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। और याद रखिएगा, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में हम ज्यादातर किसका यूज करते हैं? इफ का यूज करते हैं। ठीक है, तो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस हमेशा कौन सा सेंस देता है हमें? नेगेटिव सेंस देता है। मैंने आपको बताया जो सबॉर्डिनेट क्लॉज है वो पास्ट परफेक्ट में बनता है, और जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो वुड, कुड, शुड, माइट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। जैसे कि इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर, इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर, I would have managed everything for the relatives. For the relatives. इसका मतलब है कि अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं सारी चीजें मैनेज कर देता रिलेटिव्स के लिए, लेकिन तुमने मुझे पहले बताया ही नहीं, इसीलिए मैं कुछ भी मैनेज नहीं कर पाया रिलेटिव्स के लिए। इतनी बात सबको क्लियर हो गई? अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मैं एक और सेंटेंस आपको बता देती हूँ। इफ यू हैड सपोर्टेड मी, इफ यू हैड सपोर्टेड मी, I would have cleared the exam. अब देखिए, रूल चेक कीजिएगा, had के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है और would और have के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, और सेंटेंस बिल्कुल सही है क्योंकि पहला सेंटेंस बन गया सबॉर्डिनेट क्लॉज पास्ट परफेक्ट में। हाँ, इन्वर्जन भी होता है, अभी समझाऊंगी। सबॉर्डिनेट क्लॉज बन गया पास्ट परफेक्ट में और प्रिंसिपल क्लॉज बन जाएगा would, could, should, have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ध्यान से सुनिएगा। इन्वर्जन का तो है ही, और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आप बच्चा कभी कभी ये सोचते हो ना यार, हैड क्यों एक साथ आया? दो बार हैड का क्या मतलब है? या कभी कभी आप सोचते हो कि हैड क्यों एक साथ आया, या हैज हैड क्यों एक साथ आया? अभी मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, एक्चुअली क्या होता है, हैज और हैव होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे आई हैव अ कार। वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती है हैड। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं रूल की बात करती हूं पास्ट परफेक्ट की, पास्ट परफेक्ट का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो होता है ना। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये किसका रूल होता है? पास्ट परफेक्ट का। अब अगर मुझे यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज करनी और हैड भी यूज करना है, जैसे मैंने बोला मैंने खाना लिया, या मेरा खाना हो चुका था, मेरा खाना हो चुका था, या मैंने खाना लिया, ऐसे लिख लेते हैं, मेरा खाना हो चुका था, मतलब मैं खाना खा चुका था। अब देखिए, इस सेंटेंस को मैं कैसे बनाऊंगी? गुड इवनिंग आकाश, इस सेंटेंस को मैं बनाऊंगी आई हैड माय लंच। इसका मतलब है चुका था के लिए क्या आ जाएगा? पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट के लिए हैड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। आकाश, आज आप नए हैं क्लास में, अभी फिलहाल थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस चल रहे हैं। सेकंड और फर्स्ट मैं प्रीवियस वीडियो में करा चुकी हूँ, और थर्ड कंडीशनल में भी थोड़ा सा हाई लेवल चल रहा है, तो क्लास में आप मेंटेन रहिए, लाइव रहिए, आपको चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है, सॉरी। तो जब भी सेंटेंस इस तरह से आता है कि मैं खाना खा चुका था, या मैं खाना ले चुका था,
तो इस सेंटेंस में याद रखेगा कि जब भी चुका था आ रहा है इसका मतलब आई हैड आएगा, और ले चुका था इसका मतलब आई हैड हैड माय लंच। तो अभी आपको समझ में आया कि दो बार हैड क्यों आता है, क्योंकि एक हैड आ रहा है हेल्पिंग वर्ब की वजह से, हेल्पिंग वर्ब क्यों, क्योंकि चुका था है, और एक हैड आ रहा है मेन वर्ब की वजह से, क्योंकि मेन वर्ब भी तो लिखनी है ना, खाना खा चुका था। इतनी बात समझ में आई। लेकिन अगर मैं सेंटेंस बोलती हूँ, मैं खाना ले चुका हूं, अब देखो यहां पे क्या आ गया बच्चा, चुका हूं, हूं आ गया ना, तो इसका मतलब या तो हैव आ जाएगा प्लूरल के साथ या फिर हैज आ जाएगा, और हैव हैज के साथ हमेशा वर्ब की प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है ना चुका हूं, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है चुका हूं, ठीक है ना, और चुका हूं में भाई क्या आ जाता है, हैज या हैव, ठीक है, और इनके साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है बच्चा, थर्ड फॉर्म आती है। तो आई हैज हैव हैड माई लंच। इतनी बात क्लियर हो गई सबको? तो जब भी दो बार हैड या दो बार हैज हैड एक सेंटेंस में आता है तो वहां पे चुका था का सेंस देता है। एवरी वन क्लियर दिस पॉइंट और नॉट, से यस और नो, सबको ये बात क्लियर हो गई, हाँ कि ना? Is this point clear to everyone, guys? चलिए, अब मैं अगर sentence आपको बोलती हूँ कि अगर मैं वहां गया होता तो शायद ये काम हो जाता, तो पहला sentence किस में बनता है third conditional का, past perfect में, और दूसरा sentence अभी मैंने आपको rule बताया could, should, might, would plus verb की third form में, है ना? अब देखिए रूल क्या हो सकता है या एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल दिया, इफ आई हैड हैड माय डिनर, अगर मैंने अपना खाना खाया होता या मैंने अपना खाना लिया होता, आई वुड हैव फीड हिम ऑल्सो, अगर मैंने अपना खाना खाया होता तो शायद मैं उसको भी फीड कर पाता, लेकिन मैं अपना खाना नहीं खा पाया, मैंने अपना खाना नहीं खाया तो मैं उस बंदे को भी फीड नहीं कर पाया। तो आप देखो ये कौन सा कंडीशनल हो गया बच्चा, ये थर्ड कंडीशनल हो गया। थर्ड कंडीशनल में ये वाला सेंटेंस हो गया पास्ट परफेक्ट में, और दूसरे वाला सेंटेंस किस में हो गया, वुड कुड शुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म में। जय हिंद, सत्यम, गुड इवनिंग। इतनी बात सबको क्लियर हुई? अब मैं एक एग्जाम्पल, मुझे बताइएगा कि सेंटेंस मैंने सही लिखा है कि गलत लिखा है। I would have purchased a new car provided का मतलब मैंने आपको कल बताया था इफ होता है, प्रोवाइडेड I had been given loan from the bank. मैं कार खरीद चुका होता अगर बैंक ने मुझे लोन दिया होता। अब now tell me either the sentence correct or not. अब बताइए क्या सेंटेंस करेक्ट है कि नहीं है? जल्दी से बताइए कि सेंटेंस करेक्ट है कि नहीं है? Quickly tell me, I would have purchased a new car provided I had been given loan from the bank. Quickly tell me guys, is the sentence correct or not? रॉन्ग है गौतम, सेंटेंस रॉन्ग क्यों है? आकाश, गौतम, सत्यम, बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइन है, लाइन लाइव है। सचिन, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाई द सेंटेंस इज करेक्ट? कंफ्यूजन है प्रोफेसर, ओके कंफ्यूजन है, मैं कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। इफ वाला सेंटेंस बाद में आ गया और सबॉर्डिनेट वाला, प्रिंसिपल वाला पहले आ गया। गौतम रॉन्ग है तो सही क्या होगा आंसर? देखिए अभी तो मैंने आपको रूल बताया
कि वुड हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे परचेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे परचेज की जगह क्या आएगा, परचेज आएगा। जिसके भी आज फर्स्ट क्लास है, जिसको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो माय डियर स्टूडेंट्स मेरा प्रीवियस सेशन देखिएगा, मैंने बिल्कुल बेसिक से समझाया हुआ है। और आज 4 बजे वोकैबुलरी की भी क्लास हुई थी, उस क्लास में भी बहुत इजी से अच्छे से समझाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे वुड हैव परचेज ना आके वुड हैव परचेज आएगा, क्योंकि हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। मैम बिकॉज, हाँ जी बिल्कुल सही बात है गौतम, गौतम यू आर वेरी राइट। आकाश, अगर आप बहुत ज्यादा वीक हैं इंग्लिश में, तो आप एक काम कीजिए, मेरे प्रीवियस सेशंस देखिएगा, शायद आपको हेल्प मिल जाए। 100% श्योर तो नहीं, लेकिन शायद आपको हेल्प मिल जाएगी। आप एक बार वॉच कीजिए, आज का भी सेशन वॉच कीजिएगा, सुबह 4 बजे का वोकैबुलरी का, कल के भी। बेसिक से क्लासेस चल रही हैं, एक वीक होने वाला है। इफ आई हैड गिवन, नो आई हैड गिवन नहीं आएगा ना, मैंने दे रहा बैंक को, बैंक मुझे दे रहा है, तो सेंटेंस बोला पैसिव में बन रहा है बेटा, एक्टिव में नहीं बन रहा, इसीलिए हैड बीन गिवन आया। यू विल डेफिनेटली क्रैक योर CDS एग्जाम, बट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियलाइजेशन पॉइंट। ओके आकाश, चलिए अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट रूल का, वो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से समझिएगा। वो रूल है इन्वर्जन रूल, और याद रखिएगा इन्वर्जन रूल हमेशा जब लगता है जब चीजें नेगेटिव हो जाती हैं, है ना भाई। ये मिरर है आपके सामने, तो अब आप यहाँ पे सामने खड़े हो मिरर के, तो जब आप मिरर के खड़े हो तो इन्वर्ट इमेज बनती है ना आपकी। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी होगी, फिजिक्स में मिरर का चैप्टर पढ़ा होगा, लेंस का चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि इन्वर्ट इमेज बनती है। इन्वर्ट इमेज कब बनती है, जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं, तो नेगेटिव बनता है ना। इसी तरह से इन्वर्जन रूल क्या होता है, वो हमेशा किसके लिए यूज होता है, जब भी चीजें नेगेटिव होती हैं। अभी मैंने आपको क्या समझाया था, अभी मैंने आपको जस्ट ये बताया कि जब भी हम थर्ड कंडीशनल सेंटेंस यूज करते हैं, तो उसमें सेंटेंस कैसे हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। मतलब अगर मैंने ये बोला कि भाई मैं आपको कॉल करूंगा, तो आप मुझे पैसों के बारे में बताते, लेकिन मैंने आपको कॉल की ही नहीं, तो आप मुझे पैसों के बारे में कैसे बता पाते। आप मेरी बात समझ रहे हो, तो अगर मैंने आपको कॉल की होती तो आप मुझे पैसों के बारे में बता देते, लेकिन मैं आपको कॉल ही नहीं कर पाया, तो आप मुझे पैसों के बारे में बिल्कुल नहीं बता पाए। इसका मतलब थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस क्या लेकर आता है, हमेशा नेगेटिव सेंस लेकर आता है। इतनी बात क्लियर हो गई सबको, इतनी बात सबको क्लियर हुई। चलिए अब हम बात करते हैं इन्वर्जन रूल होता क्या है। स्टूडेंट्स लेट मी टेल यू व्हाट इज इन्वर्जन रूल। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इजी है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन्वर्जन रूल बहुत जगह काम आता है। हेल्पिंग वर्ब बहुत ध्यान से समझिए। देखिए जब हम नॉर्मल सेंटेंस लिखते हैं बच्चा, तो नॉर्मल सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, है ना, यही तो होता है। एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। जैसे आई हैव कंप्लीटेड द वर्क, है ना, तो ये नॉर्मल सेंटेंस हो गया ना बच्चा। आई कौन सा सब्जेक्ट, आई तो सब्जेक्ट हो गया, हैव हो गया हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब हो गया कंप्लीटेड, और द वर्क हो गया ऑब्जेक्ट। इतना तो सबको क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर मैं इंटेरोगेटिव में सेंटेंस को लिखती हूँ, तो इंटेरोगेटिव में जो सेंटेंस बनता है वो कैसे बनता है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, और आगे क्या लग जाता है, आगे लग जाता है क्वेश्चन मार्क, है ना, यही तो लगता है ना। जैसे कि मैं सेंटेंस बोलूंगी, हैव आई कंप्लीटेड माय वर्क, क्या मैं तुम्हारा काम कंप्लीट कर लिया, क्या तुमने, मैंने तुम्हारा वर्क कंप्लीट कर लिया, है ना। अब ये तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, सब्जेक्ट उसके बाद में आता है, फिर मेन वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन जब हम इन्वर्जन रूल अप्लाई करते हैं, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, इन्वर्जन रूल वहां पे अप्लाई होता है जहां पे चीजें क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं।
जहां पे चीजें क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं, वहां पे क्या अप्लाई होता है बच्चा, इन्वर्जन रूल अप्लाई होता है सबसे पहली बात तो। अब भाई मैंने आपको बताया कि थर्ड कंडीशनल तो नेगेटिव ही होता है ना, कि अगर मैंने कॉल की होती तो आप मुझे ये बात बता देते, लेकिन मैं कॉल ही नहीं कर पाया तो आपने मुझे ये बात नहीं बताई। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का रूल ये है कि क्वेश्चन मार्क आता है। इन्वर्जन रूल का रूल ये है, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है गाइज। अपने हाथ में कॉपी पेन जरूर रखिए, वो कॉपी पेन आपके लिए बहुत ज्यादा मस्ट है, क्योंकि आपके नोट्स साइड बाय साइड प्रिपेयर होते रहेंगे। मैं कंडीशनल सेंटेंसेस पिछले काफी दिनों से करा रही हूँ, 4 दिन होने जा रहे हैं, और कंडीशनल सेंटेंसेस अगर आपने अच्छे से पढ़े होंगे तो प्रॉपर नोट्स भी बना लिए होंगे, ये मैं होपफुली एक्सपेक्ट करती हूँ आप लोगों से, है ना। तो क्या हो जाएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर फुल स्टॉप आ जाएगा, है ना। इंटरोगेटिव में रूल तो यही रहता है, लेकिन क्या आ जाता है, क्वेश्चन मार्क। इन्वर्जन रूल में क्या आता है, रूल, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान से समझिएगा, ये मैं डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, नेवर आई हैव डन अ मिस्टेक, इसका मतलब क्या है, कभी भी मैंने कोई मिस्टेक नहीं की। तो बच्चा ये वाला सेंटेंस क्या है, ये गलत है। क्यों है, क्योंकि नेवर क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है, और जब भी नेगेटिव वर्ड स्टार्टिंग में आएगा या कोई भी ऐसा शब्द जो नेगेटिव सेंस देगा, कोई भी ऐसा शब्द जो नेगेटिव सेंस देगा या कोई भी ऐसा वर्ड नेगेटिव जो स्टार्टिंग में आएगा, तो हमेशा कौन सा रूल लगेगा, इन्वर्जन रूल लगेगा। और इन्वर्जन रूल के लिए मैंने आपको अभी क्या बताया, इन्वर्जन रूल के लिए पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। इसका मतलब पहले सेंटेंस में नेवर, फिर बच्चा हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पे हैव आएगा, फिर उसके बाद आई आ जाएगा, फिर डन आ जाएगा, फिर मिस्टेक आ जाएगी, और क्या लग जाएगी, फुल स्टॉप। तो बस आप रूल देखते रहिए और साथ साथ नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि नेवर क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है। जल्दी से बताओ सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्विकली टेल मी गाइस, इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन और नॉट। जल्दी से बताइए सबको ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और ये कब लगेगा, जब इन्वर्जन रूल होगा। एक और एग्जांपल देती हूँ, है ना। हार्डली, हार्डली का मतलब है मुश्किल से, हार्डली डिड आई डू माई वर्क, मुश्किल से ही मैं अपना काम कर पाया। तो क्यों, हार्डली क्या है, हार्डली नेगेटिव वर्ड है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से ही, आई सब्जेक्ट है, डू ऑब्जेक्ट है, सॉरी डू मेन वर्ब है, और माई वर्क हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अभी मुझे बताओ क्लियर हो गया। चलो मैं अब एक एग्जांपल देती हूँ आपको, मुझे एरर बताइएगा उस सेंटेंस में क्या है, अगर आपको क्लियर हो गया, ठीक है। हाँ जी, बेयरली, बेयरली का मतलब भी ना मुश्किल से होता है, बेयरली आई डिड, सॉरी बेयरली आई क्लियर द एग्जाम, मुश्किल से ही मैं एग्जाम क्लियर कर पाया, बेयरली आई क्लियर द एग्जाम। कैन यू प्लीज टेल मी द एरर इन द सेंटेंस, क्लियर मतलब बेयरली क्या है, नेगेटिव वर्ड है, बेयरली क्या है बच्चा, नेगेटिव वर्ड है। अभी मुझे बताइए जल्दी से कि सेंटेंस सही है कि गलत है। जल्दी से सब लोग बताइए भाई, सेंटेंस सही है, इज द सेंटेंस करेक्ट और द सेंटेंस रॉन्ग, देखते हैं कौन कौन बताएगा। हाँ जी, वेरी गुड स्वप्निल, कुछ नहीं करना बस, है ना,
क्लियर्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? अब यहाँ पे हमें, अब यहाँ पे कहीं देखो आपको हेल्पिंग वर्ब नजर आ रहा है, भाई बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा हेल्पिंग वर्ब, है ना। अब हेल्पिंग वर्ब नजर नहीं आ रहा, अब हमें हेल्पिंग वर्ब तो लानी है स्टार्टिंग में, क्योंकि बेयरली सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है। अब हेल्पिंग वर्ब लाने के लिए कुछ नहीं करना, बस एक काम करो, आप क्लियर्ड को चेंज कर दो, क्लियर्ड को चेंज कर दो डिड क्लियर में, क्लियर को चेंज कर दो डिड क्लियर में, कुछ नहीं होगा। डिड हमें हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगी, क्लियर हमें मेन वर्ब, क्योंकि क्लियर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है ना, और वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में आती है बच्चा, पास्ट में आती है। पास्ट का मतलब क्या हो जाएगा, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट, है ना। तो इसका मतलब बेयरली डिड आई क्लियर द एग्जाम। आई होप सबको ये बात क्लियर हो गई होगी, क्योंकि मैं एक और इम्पॉर्टेंट रूल बताने जा रही हूँ। शायद ही वो कंडीशनल सेंटेंस का रूल किसी एग्जाम में, सॉरी एग्जाम कह रही हूँ, एग्जाम में तो आता ही है, लेकिन किसी शायद आपको बुक में मिलेगा, एक एक दो बुक में होगा आई थिंक सो। चलिए सबको क्लियर हो गया है ना इसका मतलब। अब मेरी बात एक ध्यान से समझिए, अब थर्ड कंडीशनल सेंटेंस कौन सा सेंस देता है, नेगेटिव सेंस देता है, और अगर वो नेगेटिव सेंस देता है तो उसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, उसमें हम इन्वर्जन रूल यूज कर सकते हैं। अब एक बात याद रखिएगा, बस उसमें से जब भी इन्वर्जन रूल यूज करोगे तो कंजंक्शन हटा देना, इफ को रिमूव कर देना। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, इफ यू हैड टेकन माई क्लास, और इफ यू हैड टेकन ही ले लेते हैं, टेकन माई क्लास यू वुड हैव क्लियर द एग्जाम। अगर आपने मेरी क्लास ली होती तो आप एग्जाम क्लियर कर पाते, यू वुड हैव क्लियर माई एग्जाम मेरा एग्जाम थोड़ी आपका एग्जाम। आई डिड क्लियर गलत होगा स्वप्निल, डिड आई आएगा योर एग्जाम, है ना। अब देखिए, अब भाई इसमें मुझे नेगेटिव रूल लगाना है, अगर आपने मेरी क्लास देखी होती तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाता, लेकिन आपने मेरी क्लास ही नहीं देखी तो आपका एग्जाम ही क्लियर नहीं हुआ, है ना। अब मुझे इसमें इन्वर्जन रूल लगाना है, तो एक काम करती हूँ, मैं इफ को तो हटा देती हूँ, ठीक है, हैड को ले आती हूँ पहले। हैड यू टेकन माई क्लास, कि भाई हेल्प इन्वर्जन रूल क्या है, पहले क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आएगा सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा मेन वर्ब। Had you taken my class, you would have cleared your exam. You would have cleared your exam. अब मुझे बताइए कि आपको inversion rule समझ में आया कि नहीं है। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में हमेशा इन्वर्जन रूल लगता है। इन्वर्जन रूल का मतलब क्या होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इतनी बात सबको क्लियर हो गई। एक और एग्जाम्पल देती हूँ, हैड शी परफॉर्म्ड वेल इन द क्लास, शी वुड हैव गॉट द फर्स्ट प्राइज। अगर उसने एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म किया होता तो उसको फर्स्ट प्राइज मिल जाता, लेकिन उसने एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म नहीं किया तो उसको फर्स्ट प्राइज नहीं मिल पाया। अभी मुझे बताओ कि सेंटेंस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये कौन सा रूल है, ये नेगेटिव इन्वर्जन रूल। ये वाली बात क्लियर हो गई। अब हम इसके एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल पे चलते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान से समझिएगा।
देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको समझाती हूँ। देखिए क्या है, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में एक और रूल अप्लाई होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा वाला रूल, बहुत बच्चों को ना कंफ्यूजन होता है और ये सोचते हैं कि ये वाला रूल भी होगा एग्जाम में। हाँ जी, ये वाला भी रूल होता है, बट फॉर योर हेल्प ही वुड हैव डाइड। ये प्रीवियस से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में शायद आया हुआ एग्जाम में ना, ही वुड हैव डाइड। आपको कहीं से भी कहीं तक थर्ड कंडीशनल का रूल लग रहा है? नहीं लग रहा होगा, दूर से दूर तक नहीं लग रहा होगा। लेकिन बच्चा, ये थर्ड कंडीशनल का ही रूल है। दूर से दूर तक नहीं लग रहा होगा कि ये थर्ड कंडीशनल है, लेकिन ये थर्ड कंडीशनल ही है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत रेयरली एग्जाम में आता है और बहुत ही कम स्टूडेंट्स को ये पता होता है। बट फॉर योर हेल्प ही वुड हैव डाइड, ये जो ये वाला सेंटेंस है ना, ये सबॉर्डिनेट क्लॉज का रोल प्ले कर रहा है। किसका रोल प्ले कर रहा है? सबॉर्डिनेट क्लॉज का। और अगर ये वाला सेंटेंस सबॉर्डिनेट क्लॉज का रोल प्ले कर रहा है, तो ये किसका रोल प्ले करेगा बच्चा? ये प्रिंसिपल क्लॉज का रोल प्ले करेगा। ठीक है, सबॉर्डिनेट क्लॉज का कैसे रोल प्ले कर रहा है? इसका मतलब है, अगर तुमने मेरी सहायता नहीं की होती, अगर तुमने उसकी सहायता नहीं की होती, तो वो अभी तक मर जाता। He would have died, negative sense है ना? लेकिन तुमने उसकी सहायता कर दी तो वो जिंदा बच गया। थर्ड कंडीशनल हमेशा नेगेटिव देता है। जो ये चीज है ना, अगर ये पॉजिटिव है तो इसे जस्ट नेगेटिव समझ लो। ही वुड हैव डाइड, इसका मतलब वो मरा नहीं, क्योंकि तुमने उसकी क्या कर दी? हेल्प कर दी। आई वुड हैव क्लियर द एग्जाम, इसका मतलब एग्जाम मैंने क्लियर किया नहीं। तो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज जो भी गिवन है, उसका जस्ट नेगेटिव समझ लेना चाहिए। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, तो बट फॉर योर हेल्प ही वुड हैव डाइड का मतलब है, अगर तुमने उसकी हेल्प नहीं की होती तो वो मर जाता। तो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में लिख लीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, जो एग्जाम में आ सकता है वो प्रिंसिपल क्लॉज तो ऐसे ही बनता है, लेकिन सेंटेंस बन जाता है बट फॉर योर हेल्प, बट फॉर योर एड, या कुछ भी ऐसा। एक और एग्जाम्पल देती हूँ, बट फॉर योर सपोर्ट I would not have cleared the exam. I would not have cleared the exam. तुम्हारी सपोर्ट के बिना मैंने एग्जाम क्लियर नहीं किया होता, लेकिन तुमने मुझे सपोर्ट कर दी, इसलिए मैंने एग्जाम क्लियर कर लिया। अब देखो, ये नेगेटिव दे रहा है तो इसे पॉजिटिव बना लो। इसका मतलब वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया, तो एग्जाम मैंने क्लियर कर दिया। बट फॉर योर हेल्प ही वुड हैव पास, हाँ जी, लेकिन तुमने उसकी मदद नहीं की, इसलिए वो एग्जाम पास नहीं कर पाया। वेरी गुड अर्शद, यू आर 100% करेक्ट। ये था गाइस थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। एक और मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ। कहते, अगर मैं मिलियनर होता तो मैं एक कार खरीद लेता, या मैं एक ऑडी खरीद लेता, लेकिन क्योंकि मैं एक मिलियनर नहीं हूं तो मैं ऑडी नहीं खरीद पाया। इफ आई वर अ मिलियन, याद रखिएगा, जब भी इमेजिनरी सिचुएशन आएगी हमेशा वर आएगा, चाहे ही हो, चाहे शी हो, चाहे आई हो, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो। वेन एवर एनी इमेजिनरी इज गिवन टू अस, वी ऑलवेज यूज प्लूरल वर। जब भी इमेजिनरी होगा तो सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, आएगा हमेशा वर। इमेजिनरी में सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, आएगा हमेशा वर। याद रखिएगा, चाहे ही हो, चाहे शी हो, चाहे कुछ भी हो। थैंक यू सो मच गौतम। इफ आई वर अ मिलियनर, अगर मैं एक मिलियनर होता तो मैं एग्जाम में, अगर मैं मिलियनर होता तो आई वुड हैव परचेज अ कार, लेकिन मैं मिलियनर नहीं हूं तो मैं कार खरीद नहीं कर पाया, क्योंकि हो ही नहीं सकता, है ना? ये तो एक थोड़ा सा इमेजिनरी हो गया। मैं तो चाहती हूँ काश आप मिलियनर बन जाओ, एग्जाम क्लियर हो जाए। महेश, जय हिंद। महेश, आप रोज लेट हो जाते हो, है ना? चलो कोई नहीं, अभी टाइम पे आना आगे से। आई होप सबको कंडीशनल क्लियर हो गया होगा, सभी को क्लियर हो गया, सबको कंडीशनल सेंटेंसेस क्लियर हो गए।
वेरी गुड। मैं आपको कल के क्लासेस के टाइमिंग्स बता देती हूँ, है ना, फिर आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे। कल के क्लासेस के टाइमिंग्स हैं 4 to 5 एंड 5:30 to 6:30। एक 4 से 5 बजे क्लास है, एक 5:30 से 6:30। ठीक है, तो ये कल क्लासेस के टाइमिंग है भाई। 4 to 5 PM तो फिक्स है, और 4 से 5 बजे वाली क्लास में बता दूंगी कि नेक्स्ट टाइम के क्लासेस कौन से हैं। कल हम क्या करने वाले हैं, कल एक तो करेंगे बच्चा जैसे आज वोकैबुलरी करी थी ना 4 से 5, कल तो करेंगे हम वोकैबुलरी, पहली चीज। और दूसरी चीज हम कल क्या करने वाले हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस के एरर्स करेंगे, और कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि एरर्स तो करेंगे ही करेंगे, नया टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे, तो नया टॉपिक भी होना बड़ा जरूरी है। मेघराज गुड इवनिंग, आप बहुत लेट हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी बात सबको क्लियर हो गई। तो हमने दो चीज करनी है कल, कल 4 to 5 PM पे क्लास है जो वोकैबुलरी की क्लास है, ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी वो माइट भी 5:30 to 6:30 PM होगी, और वो मैं आपको बता दूंगी। क्या क्लियर करना है मैम इसको, क्या अगर तुमने मुझे शादी में बुलाया होता तो मैं जरूर आता। अच्छा, इसको कैसे बनाएंगे, ओके ओके मैं बताती हूँ। इफ यू हैड इनवाइटेड मी आई वुड हैव कम डेफिनेटली, इफ यू हैड इनवाइटेड मी ऑन योर मैरिज, इफ यू हैड इनवाइटेड मी ऑन योर मैरिज आई वुड हैव डेफिनेटली कम, आई वुड हैव Definitely come. ये बनेगा बेटा, ठीक है, ये बनेगा। अभी क्लियर कर दिया कि अगर तुमने मुझे शादी में बुलाया होता तो मैं जरूर आता। Had you invited me on our marriage, I would have definitely come. Come थर्ड फॉर्म है, come फर्स्ट फॉर्म है, came सेकेंड फॉर्म है। Guys, that was all about the today's class. Please channel को subscribe जरूर कर दीजिएगा, share जरूर कर दीजिएगा section को, bell icon notification को press जरूर कर लीजिएगा। मेरा नाम अपर्णा अग्रवाल है, मैं आपके English के educator हूँ। मैंने CDS की आपको English clear करूँ, जो 2 महीने बाद exam है उसके लिए English की preparation चल रही है, तो my dear students जरूर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, एंड गाइज प्लीज अगर कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हो तो आप मेरा CGL कम इंग्लिश कंप्लीट हो, हाँ जी बिल्कुल हो जाएगी। अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हो अनअकैडमी से, तो यूज माय कोड दैट इज APARNA एंड यू विल गेट 10% डिस्काउंट, है ना। और अनअकैडमी की टेलीग्राम ऐप चैनल डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, डाउनलोड टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लीजिएगा और ये लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। किसी को अगर कोई चीज या कोई डाउट पूछना हो तो यू कैन आस्क गाइस। मैम एक मंथ है CDS एग्जाम को, एक मंथ में बहुत कुछ करा दूंगी मैं, आप टेंशन मत लीजिए, है ना, चाहे संडे की क्लासेस लगवानी पड़े, एक मंथ में बहुत कुछ हो जाएगा। Anyone want to ask anything from me related to your exam and related to anything? Okay guys, that was all about the today's class. We'll be meeting tomorrow at 4 PM for the vocabulary class. Thank you so much. Stay safe, stay healthy, and prepare for the exam very well. Good night. Bye-bye. Take care.